कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के संकेत जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश वायरल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दो दिन पहले जिला सूचना अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अकोला के जिलाधिकारी के नाम से झूठा संदेश वायरल किया गया था। इस संबंध में जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर मिलिंद दुसाने ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 17 प्रकार की सूचनाएं दी गई है, जिसे यह कहते हुए वायरल किया गया कि यह सूचनाएं जिलाधिकारी ने जिला सूचना अधिकारी कार्यालय से जारी की है। उसी प्रकार समाचार पत्रों को लेकर भी भ्रामक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसे लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भ्रामक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों पर कार्रवाई के संकेत सिटी न्यूज से बोलते हुए दिए है। वृत्तपत्रे बंद करण्याबाबत कालपरवापासून जो एक व्हॉट्सअपवरती मेसेज सारखा फिरतो आहे, त्या संदर्भामध्ये अशा पद्धतीच्या कोणत्याही सूचना किंवा निवेदन हे आम्ही आमच्या कार्यालयाकडून माहिती कार्यालयाकडून देखील निर्गमित केलेले नसून ही केवळ एक अफवा असून अशा पद्धतीच्या व्हॉट्सअपवरच्या बातमीकडे वरती आपण विश्वास ठेवू नये। वृत्तपत्रे या संदर्भामध्ये अत्यंत महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका ही या संपूर्ण आपल्या कोरोनाच्या संदर्भामध्ये बजावत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात त्याची आपल्याला प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी मदत पण होती आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीच्या अफवांवरती विश्वास न ठेवता संबंधितांनी ज्यांनी कोणी अशा पद्धतीच्या अफवा पसरवल्या असतील त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाईसुद्धा केल्या जाणार आहे।